नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विषय संघीय व्यवस्था की प्रकृति। आज इस कक्षा में हम संघीय व्यवस्था की प्रकृति के संबंध में एक सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के संविधान द्वारा क्षेत्रीयता के आधार पर शक्तियों का जो केंद्रीयकरण या वितरण किया जाता है और उसके आधार पर राज्य के अंतर्गत शासन की केंद्रीय और स्थानीय इकाइयों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था। अर्थात शक्तियों के वितरण के आधार पर जो शासन व्यवस्था के प्रकार निर्धारित किए गए हैं वो दो प्रकार के हैं, एकात्मक शासन या संघात्मक शासन। अब हम पहले देखते हैं एकात्मक शासन। एकात्मक शासन वह होता है जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाती हैं और केंद्र सरकार अपनी सुविधा से स्थानीय इकाइयों या प्रांतीय सरकारों को जो शक्तियां सौंपती है उस शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान समय में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम, जापान आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था द्वारा शासन संचालित किया जाता है। इस शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, अर्थात जहां भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहां मुख्यतः तीन विशेषताएं या उस शासन की मुख्यतः तीन विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर एक, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, अर्थात संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती हैं और केंद्र सरकार अपनी सुविधा से स्थानीय सरकारों को शक्तियां प्रदान की करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी वह है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता, अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर होती हैं। केंद्र अपनी इच्छा से उनको जितनी शक्तियां देता है उन्हीं से उनको काम चलाना पड़ता है और जब तक देता है तब तक वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे वो शक्तियां वापस ले सकता है। इस प्रकार स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर होती हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता होती है वो है इकहरी नागरिकता। हालांकि इकहरी नागरिकता एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, परंतु फिर भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। अर्थात जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां के नागरिकों को इकहरी नागरिकता अर्थात केंद्रीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इस तरह से इसकी कुछ एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। दूसरा शासन है का प्रकार है संघात्मक शासन। संघीय शासन शासन व्यवस्था का एक नवीन रूप है या संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची
फेडरेशन लेटिन भाषा के शब्द फोर्डस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। शब्द अतः शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि संधि या समझौते द्वारा निर्मित सरकार को संघीय सरकार कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन का तात्पर्य उस शासन से है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है और संविधान द्वारा ही इन शक्तियों के उपयोग की व्यवस्था की जाती है। अर्थात दोनों में से, यानी केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार, प्रांतीय सरकार, दोनों में से कोई भी सरकार अपनी सुविधा से इन शक्तियों के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। उस शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, भारत आदि राज्यों में या आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था द्वारा शासन संचालित होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यानी जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां के संविधान में कुछ प्रमुख लक्षण देखने को मिलेंगे। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां संघात्मक शासन है या इन कुछ संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ मानक हैं, विशेषताएं हैं या लक्षण हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर एक, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली जो विशेषता होती है वो होती है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। हालांकि प्रभुत्व शक्ति या संप्रभुता एक राज्य की ऐसी शक्ति है जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर प्रभुत्व शक्ति को इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि उसका प्रयोग केंद्र और राज्य, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर के करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली इसकी विशेषता होती है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। दूसरी जो विशेषता होती है संघीय सरकार की, वो विशेषता होती है संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अर्थात संविधान द्वारा ही संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा ही शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन या वितरण कर दिया जाता है और प्रत्येक इकाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र होती हैं, सक्षम होती हैं। एक द्वारा दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो संविधान द्वारा ही केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अब इसके अंदर यह है कि किसी राज्य में यह वितरण की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की है, किसी दूसरे राज्य में वितरण की प्रणाली दूसरी प्रकार की हो सकती है, यानी प्रणाली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन संविधान द्वारा ही संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का वितरण या विभाजन किया जाता है। अमेरिका की प्रणाली दूसरी है, भारत की दूसरी है, ऑस्ट्रेलिया की या स्विट्जरलैंड की दूसरी है, तो ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा, संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता या लक्षण है संघात्मक व्यवस्था का, वो है संविधान की सर्वोच्चता। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है, राज्य या केंद्र सर्वोच्च न होकर के, कोई संस्था सर्वोच्च न होकर के संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च इसलिए होता है क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत है वो संविधान है और संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होता है। इसलिए तीसरी जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता या लक्षण होता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सर्वोच्चता, या यूं कह सकते हैं कि स्वतंत्र, सर्वोच्च व निष्पक्ष न्यायपालिका की। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, सर्वोच्च होती है और निष्पक्ष होती है। वो इसलिए क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य
शक्तियों का विभाजन किया जाता है, समझौता होता है, उसके माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उस विभाजन की गारंटी, रक्षा की गारंटी या शक्तियों के विभाजन की गारंटी है वो न्यायपालिका के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात कोई भी पक्षकार केंद्र या राज्य द्वारा इन शक्तियों के अंदर एक अकेले द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात तो दोनों की सहमति से ही उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, संवैधानिक तरीके से उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और संविधान को ये न्यायपालिका को ये अधिकार दिया जाता है कि न्यायपालिका संविधान का निर्वचन करे, बनाए गए कानूनों की व्याख्या करे और ये जांच करे कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, और यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उनको अवैध घोषित करने का अधिकार उसको प्रदान किया जाता है। इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र वस्वज होती है। और आगे की इसकी विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। हालांकि दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है, या यूं नहीं कह सकते कि जहां दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की गई है वो सरकारें संघात्मक नहीं है, लेकिन एक ये भी माना जाता है कि जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी, एक केंद्र की नागरिकता, दूसरी राज्य की या इकाइयों की नागरिकता, और वहां के नागरिक अपनी दोहरी भूमिका या दोनों के प्रति वफादार होंगे। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। अमेरिका के अंदर जैसे दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, केंद्र संघ की नागरिकता भी प्रदान की गई है, तो राज्यों की नागरिकता भी प्रदान की गई है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर या स्विट्जरलैंड के अंदर भी दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन भारत और कनाडा के अंदर ही गहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है। तो ये दोहरी नागरिकता वाला कोई मूल लक्षण तो नहीं है, लेकिन एक लक्षण माना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहां ये प्रमुख विशेषताएं जैसे प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सर्वोच्च और दोहरी नागरिकता पाई जाती है, वहां उस शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। आगे संघात्मक शासन व्यवस्था को सीमित सरकार भी कहते हैं, या सीमित सरकार का सिद्धांत भी संघवाद के संबंध में कहा जाता है कि संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत है। और इससे अभिप्राय है कि संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों यानी दोनों सरकारों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। केंद्र संविधान के द्वारा ही संघात्मक शासन व्यवस्था में संघात्मक संविधान द्वारा ही केंद्र की और राज्यों की सरकारों को की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है, अतः इसको सीमित सरकार भी कहा जाता है, या इस संघात्मक शासन व्यवस्था को सीमित सरकार का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से अपन ने देखा एक परिचय के रूप में कि संघीय व्यवस्था की प्रकृति के संबंध में कि सरकार शासन व्यवस्था या शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक एकात्मक शासन, दूसरा संघात्मक शासन। इस क्लास में अपन ने एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं, एकात्मक शासन की कौन सी विशेषताएं हैं, संघात्मक शासन की कौन सी विशेषताएं हैं, या सीमित सरकार का सिद्धांत क्या है, इनके ऊपर चर्चा की है। धन्यवाद।